यदि कोई सज्जन यदि बाहर है नहीं देख पा रहे हैं तो यूट्यूब पर भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब पर अपलोड किया गया है इसे, जिसका पवित ब्लॉग पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है पवित, ये चैनल का नाम है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मैदान, हरा भरा मैदान, काफी दर्शक नजर आते हुए यहाँ पर एक अच्छा मैच देखने की यहाँ पर संभावना। कल एक बढ़िया मुकाबला हुआ था माकली और बस्तर 11 के लिए, विरुद्ध शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी वहां पर राकेश मंडावी के द्वारा। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हम उन जी हाँ दीपावली धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट भवन का यह लगातार वर्ष से यहाँ पर एक शानदार आयोजन होता हुआ, जिसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पंचू बांडा जी, विशेष वाइस प्रेसिडेंट हैं धनराज गोंड जी, कैशियर हैं सोनराम गोंड जी, मैनेजमेंट, इस पूरे मैनेजमेंट को देखरेख करने वाले हैं मिस्टर महेश गांडा जी, और मार्केटिंग है देव सिंह एंड माखन, और कमेटी के मेंबर हैं मोहन यूथ, मोहन के पूरे युवा साथी, और लाइव स्कोरर बाय संता समंता। पवित ब्लॉग चैनल में आप इसका यूट्यूब पर प्रसारण देख सकते हैं, और ऑफलाइन स्कोरर है महेश जागेश। जी हाँ, इस दीपावली के धमाका में एक शानदार कार्यक्रम जो अंतिम दिवस होगा फाइनल, वहां पर नाटक का आयोजन किया गया है, पेरीबा की वो सूखा सपना, बहुत ही शानदार यहां पर आयोजन हमारे समिति के द्वारा। एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और लगभग यहाँ पर मैच प्रारंभ होने की कगार पर कोंडागांव की टीम मैदान पर पहुंच चुकी है फील्डिंग के लिए। टॉस जीती है और फील्डिंग करने का यहाँ पर निर्णय लिया। अब देखना है क्या स्कोर कर पाती है यहाँ पर, ये देखना, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना काफी आसान, काफी अच्छा तगड़ा स्कोर भी यदि हो सकता तो आप सेकंड जो इनिंग्स है उसमें अच्छी बल्लेबाजी कर, चाहे रन टारगेट बड़ा भी हो तो जीता जा सकता है। हेलो, जी हाँ, आज इस मैच का कमेंटेटर मैं श्री रोशन मानिकपुरी जी, आप सभी का एक बार पुनः मंच के माध्यम से आप सभी को एक बार धन्यवाद देता हूँ, और हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत बहुत जितने भी दर्शक हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अमूल्य समय देकर आप इस मैच का आनंद उठाने आए हुए हैं, और बस्तर ब्लास्टर की ओपनर बल्लेबाज से निवेदन, मैदान की ओर अग्रसर हो जाए, काफी समय हो चुका है। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर से निवेदन है, दोनों ही टीम में यदि कोई एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नाम बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पालते ना कौन कुत्ता है। एक और कारण है क्या? ये हाल दे मात वाला इधर ये लाइट आ दे लाऊं थे
जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान की ओर जाते हुए। खूबसूरत नजारा इस मैदान का, काफी ज्यादा जनसंख्या में दर्शक इस मैच का आनंद लेने पहुंचे हुए हैं। और दर्शकों से उम्मीद, इन खिलाड़ियों से हम यही उम्मीद करते हैं दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करें। जूम हो गए, जूम नानी कर लो, मैं नानी लापी देखा वही में जूम कर दे। हो जाही वही वही तो यहाँ पर मैच प्रारंभ होता हुआ और हमारे जो ओपनर बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज का नाम ललित, स्ट्राइक पर है ललित लेफ्ट हैंड और नॉन स्ट्राइक पर है जम्मू, जबकि बॉलिंग की कमान संभालेंगे बॉलर्स नेम भोगेश्वर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं भोगेश्वर और स्ट्राइक पर ललित और जम्मू, नॉन स्ट्राइक पर जम्मू और बॉलिंग की कमान संभालेंगे बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज भोगेश्वर। पहली गेंद कुछ देर गेंद कर दिया, पहली गेंद पर पहला विकेट, पॉइंट दिशा में खेलना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी, इसे सिर्फ दिशा देना चाहते थे लेकिन बॉल को नीचे नहीं रख पाए और सीधे गेंद फील्डर के हाथों में, पहले ही गेंद पर पहला विकेट गिरता हुआ ललित का। खूबसूरत गेंदबाजी कहनी चाहिए, बहुत ही सुंदर गेंद थी, थोड़ा सा गेंद ऊपर उठकर आई, इसे सिर्फ दिशा लगाना चाहते थे, दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूके और सीधे गेंद फील्डर के हाथों में, एक आसान सा कैच दे बैठे ललित। अब उनकी जगह को संभालने जा रहे हैं तुलेश। पहली गेंद पर पहली सफलता भोगेश्वर को। तुलेश अगले बल्लेबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर भोगेश्वर, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, सीधे कमर तक थी बॉल और इसे सीधे कट करना चाहते थे, दिशा बस दे दिया और लेकिन जो गेप है उसे नहीं देख पाए। हेलो हेलो, और अपना विकेट दे पाए थे ललित। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन पर जाती हुई चार रनों के लिए। अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही शानदार यह शॉट था। कलाइयों का काफी बेहतरीन उपयोग करते हैं, जबरदस्त यहां पर बाउंड्री लगाया है सीधे खिलाड़ियों के ऊपर से, फील्डर के ऊपर से एक शानदार शॉट। अगली गेंद और
लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद और इसे व्हाइट का इशारा है पैर द्वारा। इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर बस्तर ब्लास्टर। पहली गेंद पर पहली सफलता के बाद दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका, उसके बाद यॉर्कर गेंद पर लेकिन लाइन को मिस कर बैठे और पुनः अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद भी, पुनः इसे ताकत से मारना चाहते थे, काफी जोरदार तरीके से लगाना चाहते थे लेकिन चूके बल्लेबाज और अभी भी स्कोर 5 रन पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और अच्छी गेंद लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग और निश्चित तौर पर यहां पर कम से कम 2 रन जरूर बचाए होंगे। काफी तेज बॉल थी और काफी अच्छा यहां पर पंच किया था बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर गोलू के द्वारा। अगली गेंद और इसे रिवर्स शॉट खेल दिया है, दोनों स्लिप के बीच से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। तुलेश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, इस बार सिर्फ घुटने टेके और सीधा रिवर्स शॉट खेल दिया और इतना शानदार शॉट था ये कि दोनों स्लिप के बीच से बॉल निकल गई सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बॉल, यॉर्कर लेंथ की गेंद, इसे खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर बस्तर ब्लास्टर। काफी अच्छा ओवर यहां कहना चाहिए, पहली गेंद पर पहली सफलता यहां पर प्राप्त करते हुए भोगेश्वर, उसके बाद तो खूबसूरत शॉट यहां पर तुलेश के द्वारा देखा गया। अब गेंदबाजी की भार संभालेंगे पदम। काफी लंबा रनअप पदम का और पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज ललित। अच्छी बॉल और उतना ही अच्छा सम्मान, ये इतनी अच्छी टाइमिंग हुई थी ये बॉल, यदि यहां पर गैप होता तो निश्चित तौर पर गैप बाउंड्री लाइन से बाहर जा सकती थी। बहुत ही अच्छी गेंद, पुनः एक बार क्रॉस खेलना चाहते थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाके इसे गेंद को क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूके। अच्छी बॉल पदम के द्वारा, थोड़ी सी यहां पर गति परिवर्तन का ये देखिए, इस बार काफी तेज फेंक हुई गेंद थी, इससे पहले जो गेंद थी उसमें मिश्रण किए थे, थोड़ी सी स्लो आई थी बॉल और इस बार वैसी देखा कि बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलना चाहते हैं, थोड़ी सी तेज गति से गेंद डाल दी। अच्छी गेंदबाजी, अगली गेंद पदम की और पुनः एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और पुनः चूके, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पुनः एक बार 16 रन डालते हुए यहां पर और इस बॉल को पुनः एक क्रॉस द लाइन खेलने की बल्ला घुमाने की कोशिश और कोई रन नहीं, लगातार 4 गेंदे डॉट कर चुके हैं यहां पर पदम। अच्छी गेंदबाजी और इस बार यहां पर कट कर दिया है, क्या यह बेट से लगी या लेग भाई है, एम्पायर बताए, लेग भाई का इशारा एम्पायर द्वारा और 1 रन मिलता हुआ इस तरह से 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। अभी तक काफी किफायती गेंदबाजी,
खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में चार रनों के लिए। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर दो ओवर की समाप्ति पर 14 रन, जबकि एक विकेट यहां पर गंवा चुकी है बस्टर ब्लास्टर। कुछ इसी तरह से शॉट पिछले ओवर में भी एक बेहतरीन शॉट खेला था। ललित भोगेश्वर की अगली गेंद का सामना करेंगे और काफी तेजी से यहां पर मारने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चूके। सॉरी जम्मू, क्षमा चाहूंगा जम्मू। अगली गेंद, अपील यहां पर, लेकिन एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं और पुनः एक अच्छी गेंद। अगली गेंद भोगेश की, सामना करेंगे जम्मू और इस बार लगभग यार कर लेंथ की गेंद थी, पूरी तरह से यहां पर जम्मू को बांध चुके हैं कोमरा गांव के 300 के प्लेयर। अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहां पर। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद और रन लेने का कोई मौका नहीं। और हमारे बीच मेरे साथी कमेंटर मौजूद आर के सोना जी भी मौजूद, वो भी मेरे साथ इस कमेंट्री की भार संभालेंगे। धन्यवाद सोना जी। आज कोंडागांव ने जिस प्रकार से बॉलिंग हो रही है, कोंडागांव की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से बल्लेबाजों को यहां पर बांध कर रख दिया है। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं हूं आर के सुना आपके देखा टूर्नामेंट के, और मेरे साथी कमेंटेटर रसन ब्रदर को मैं धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। अच्छा कमेंट्री करके सभी दर्शक का दिल जीते हैं। और आपके देखा टूर्नामेंट की आज का पहला लीग मैच और बस्तर ब्लास्टर वर्सेस 300 कंडा गांव के बीच में इस खेल जारी रखे हैं और ऑर्गेनाइज बाय महोंड क्रिकेट क्लब। दिवाली धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 की बेहतरीन, 23-24 की बेहतरीन टूर्नामेंट और 3 ओवर की परिसमाप्ति की होते होते 14 रन लसपवान विकेट बस्तर ब्लास्टर की। और जितना तारीफ करो उतना ही कम, इस विकेट में जब पहले बल्लेबाजी करता है उसके ऊपर जितना का जो संभावना रहता है 70% के ऊपर, जो मैं यहाँ का जो कमिटी की ओर से जितने भी मेंबर्स हैं मैं पूछा था, जब पहले बल्लेबाजी करेंगे तो बहुत मैच जीतने का बहुत चांस रहता है, ये मैं सुना हूँ रसल बदर, सही है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सोना जी। जहाँ तक मैंने भी कल तो नहीं आया था मैच देखने, पर जो यहाँ पर लाइव YouTube है उसमें देख रहा था, काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। कल एक ऐसा मैच था जहाँ पर माकड़ी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की थी और उसके बाद सेकंड इनिंग में जो बल्लेबाजी करते हैं अधिकतर वही टीम जीती है यहाँ पर। निश्चित रूप से बेहतरीन इंटरव्यू के साथ हमारा साथ धारा विवरण दिए, तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दर्शक को।
और उसके साथ साथ मैं कृतज्ञ ज्ञापन करता हूँ हमारा जो पवित्र ब्लॉग जो ब्रदर्स ने अच्छी तरह से इस खेल का लाइव गोलू ब्रदर्स ये छठे खेत के खिलाड़ी है लेकिन बेहतरीन गेंदबाज के रूप में और ऑलराउंड के रूप में माने जाते हैं मिस्टर गोलू। और काफी दिन से क्रिकेट का नजारा हम लोग देखे हैं बहुत सारे उनका करियर में बताऊंगी तो बहुत सारे बोलू 10 नंबर बोलू निश्चित रूप से महेन सही ढंग से नाम बताइए क्योंकि हम लोग को कमेंट्री करने में ना मतलब परेशान ना हो क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। अगले गेंद तैयार राउंड द विकेट गेंदबाज करते हुए अंपायर को पार होते उठा के खड़े दंडलाते हुए चमचमाते हुए सीधा बाउंड्री के पास 6 रन और ये पहला छक्का जी बिल्कुल उनके रडार पर थी ये गेंद और सीधे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए। और आप स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद और एम्पायर का इशारा वाइट इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन एक विकेट के नुकसान पर बस्तर ब्लास्टर सोना जी महेश सर हेमराज जो है काफी अनुभवी एम्पायर माने जाते हैं मिस्टर महेश ब्रदर्स एंड हेमराज और अबर दो विकेट गेंदबाज करने के लिए तैयार एम्पायर को पार करते हुए फिर से कट करने के लिए प्रयास था पुनः आप स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और इसे वाइट करार दिया गया एम्पायर ने। निश्चित रूप से थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया है छक्के के बाद 2 वाइट करार यहां पे गेंदबाज ने इसे रिवर्स क्लिक कर दिए सीधा पॉइंट के दिशा में चली गई गेंद पॉइंट के दिशा में और इस 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 26 लास्ट 1 विकेट 4 ओवर की गन चल रहा है। यह बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी और काफी धीमी गति से फेंका हुआ गेंद था बल्लेबाज के पास इतना आसानी से मौका था कि वह इसे रिवर्स करके 4 रन बटोर ले और सही ढंग से सही नितिजा में पहुंचाने के लिए कोशिश किए और पहुंच भी गया। पुनः वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए यहां पर महेंद्र और इस ओवर में काफी सारा वाइड रन देखने को मिला है लगभग अभी तक 13 रन आ चुके हैं शायद बड़ा ओवर हो सकता है और पॉइंटर गली के दिशा में 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा देखेंगे और सीधा चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन यह मिसफील्डिंग और इसे 4 रन में और इसे हाथ धोना पड़ा जहां 1 रन मिलने थे वहां पर खराब फील्डिंग की वजह से 4 रन ये बाद में पछताना होगा कंडा गांव 300 को क्योंकि अभी पता नहीं चलेगा जी जब आप रन चेंज करोगे उसी टाइम में पता चलेगा कि ये हमारा गलती क्या था। अगली गेंद तैयार 10 नंबर फिर से सम्मान देते हुए गेंद को यॉर्कर लेंथ की गेंद इस बार और पूरी तरह से बल्लेबाजी से उतना ही सम्मान दिया इस गेंद को काफी अच्छी गेंद और इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगी हीरापुर वर्सेस महंत के बीच में आए हुए सभी फिर से उठा करके खेलने के लिए प्रयास और स्टंपिंग की मांग लेकिन नाकार किए हैं और इसके साथ ओवर की परिसमाप्ति और एक बॉल है सॉरी माफ कीजिए। आए हुए सभी दर्शक को मेरा अनुरोध है कि आप आए और सभी दर्शक को अच्छा करने के लिए कोशिश करें क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट मतलब ऐसे आदिवासी अंचल में जो ऑर्गेनाइज किए हैं सभी हमारा जो प्रेसिडेंट कैशियर और उसके साथ साथ जितने भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस कमिटी के सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मेरे तरफ से बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में सफल होने वाले हैं। तो दर्शक लोग को भी मेरा निवेदन है कि आप प्लेयर्स को थोड़ा ताल मार के थोड़ा चंगाई कराएं थोड़ा बाहर चला।
ये आखु कोई दियो हमरो बिना प्रसन्नजी को कोई दियो तुम आसी न कि जी हाय हाय प्रसन्नजी को ले आ जाओ जाओ हला गले से दे दो हला बिल गोट कटाइबो अरे स्टार्ट बिल कट के नहीं जी बहुत ज्यादा काम रही चार ओवर की समाप्ति पर 31 31 रन एक विकेट के नुकसान पर बस्तर ब्लास्टर और महेंद्र की ओवर जो था थोड़ा सा महंगा ओवर थी और उसके चलते पलक झपकते रन रेट जो है बढ़ने में कामयाब हुआ है 31 ओवर में 17 रन बने जिसमें से 3 वाइट और 2 चौके और 1 छक्के देखने को मिला और यहाँ पे शायद महेश के नाम लोग बहुत है और हमारा जो हमारे पास खड़े हैं हमारा स्कोरबोर्ड में जगेश और महेश दोनों ही ब्रदर को मैं धन्यवाद करता हूं अपना समय कीमती समय देते हुए निश्चित रूप से मिस्टर कमल छठे गेंद के दिख रहे हैं देखेंगे किस तरह से अपना गेंदबाजी का भार संभालेंगे और अभी तक जो बल्लेबाजी कमल जी अरुणदा विकेट गेंदबाजी करने में कामयाब उठा कर खेलने के लिए प्रयास लेग भाई की ये रसन ब्रदर जो मतलब ये LBW होता तो शायद कुछ भी हो सकता था लेकिन नहीं है इसमें रेड डेनिस निविया गेंद चल रहा है तो इसलिए नाकार की है LBW की फिर से उठा कर खेलने के लिए प्रयास नीचे खिलाड़ी एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा और इस एक रन के साथ 32 लसअप 1 विकेट फ्रॉम बस्तर ब्लास्टर अगली गेंद तैयार लंबे गेंद के खिलाड़ी सामने सामना करते हुआ फिर से उठा करके खेलने के लिए प्रयास नीचे खिलाड़ी और उसके साथ 4 रन सीधा दंडन आते हुए 4 रन और इस 4 रन के साथ 36 जी हाँ बिल्कुल टप को देखते रह गए बल्लेबाज और सीधे ऊपर से निकल गई बॉल यदि आगे आकर पकड़ने की कोशिश करते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कैच और चौका को बचाया जा सकता था और निश्चित रूप से ये चालाक होना चाहिए रसन ब्रदर्स ये थोड़ा चालाक होना पड़ेगा फील्डर्स को क्योंकि काफी सारी जो मिट्टी है थोड़ा सा कठिन है इसलिए चतुराई के साथ फील्डिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे एक बेहतरीन गेंदबाज देखने को मिला आप कटर गेंद मिला देखने के लिए और उसके साथ बिंदी गेंद अगली गेंद तैयार सामना करेंगे उठा करके खेलने के लिए प्रयास खबर की दिशा में एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगी थर्टी सेवन ये 5 ओवर की प्रगति है थोड़ा सा रन का गति को बढ़ाना पड़ेगी हमें अनुरोध करो एम्पायर महाशय को इति मध्य ओवर परिसमाप्ति कते ओवर मैच ऑर्गेनाइज करा जाय छी 12 ओवर नेक्स्ट ओवर जो भाई माने बिल्डिंग ऊपर अछंती जो कोनी कोनी छुआ माने बिल्डिंग ऊपर अछंती से माने दया पूर्वक यार ध्यान दियंतु आपन माने उल्लाइ जातो जेहेतु दुर्घटना घटि पर संभावना अछि आपन माने उल्लि गले बहुत बढ़िया रहबो हम आशा करियो छु जो कोनी कोनी छुआ माने अछंती से माने और उसके साथ साथ ये दिवाली धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 का प्रेसिडेंट ऑफ द टूर्नामेंट पंचीराम गांडा वाइस प्रेसिडेंट धनराजगढ़ कैशियर सनराम गोंड और निश्चित रूप से कमिटी मेंबर्स मोहन ड्यूत निश्चित रूप से और उसके साथ साथ लाइव स्कोरर बाय सनातन पवित्र ब्लॉग चैनल मैनेजमेंट बाय महेश गांडा मार्केटिंग बाय देवा सिंह मारखाम सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और यहां पे व्हाइट का इशारा और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस प्रकार से 2 रन मिलते हुए इस ओवर में
और इसके बीच में थोड़ा सा जो जम्बू को थोड़ा जख्म उठाकर खेलने के लिए कोशिश हो दंडन आता हुआ जीत भारत के दिशा में चली गई गेंद गली की तरह आशीष ब्रिक्स फील्डर बने दर्शक और सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन 45 लॉस ऑफ 1 विकेट काफी सारे गेंद खाने के बाद सॉरी 55 माफ कीजिए फिर से सर माफ कीजिए 45 थोड़ा सा स्कोरबोर्ड में दिक्कत था क्योंकि माफ कीजिए क्योंकि लाइव जो चल रहा है उसी में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि सही ढंग से चल रहा है और यहाँ पे हमारा जो साइड में है हमारा जो जगेश ब्रदर्स महेश ब्रदर्स थोड़ा सा हड़बड़ी हुई है और उसके साथ अभी और एक सिंगल आई शायद बाई के रूप में नीचे खिलाड़ी कबड्डी की दिशा में मंजू के बारे में क्या बताओगे रसन ब्रदर्स बहुत सारे गेंद खेल चुके हैं जी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं ये और अभी भी काफी ओवर शेष 6 ओवर शेष अब इस 6 ओवर में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं काफी तेजी से मारने की कोशिश और सबसे बड़ी थोड़ी सी उनमें गलती क्रॉस द लाइन जाकर ज्यादा खेलने की कोशिश कर रही इस वजह से ज्यादा यहां पर बीट होते हुए बॉल बल्ले से कनेक्ट नहीं हो रहे सीधा खेलने की कोशिश करें तो काफी बेहतर होगा निश्चित रूप से मंजू को थोड़ा अपना स्ट्राइक रेट जो है बढ़ाना पड़ेगी और उसके साथ यहाँ पे मटगत के खिलाड़ी ने जीवन दान देते हुए निश्चित रूप से सुना पे सुहागा जो बातों में है और उसके साथ मंजू को यहाँ पे एक बेहतरीन जीवन दान मिला है रसन ब्रदर जी हाँ इस मौके को उन्होंने भुलाना होगा उन्हें काफी शानदार बल्लेबाजी करनी होगी 47 रन बन चुके हैं 6 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर काफी विकेट अभी बाकी लेकिन बल्लेबाजी उस स्तर की नहीं हो रही है जिसका मतलब थोड़ी सी शानदार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर 300 कोंडा गांव के द्वारा काफी बेहतरीन गेंदबाजी अपना सिटी डिलेक्स का जो है एस्केलेटर के थोड़ा सा दबाने के लिए कोशिश करे बस्तर ब्लास्टर इसी तरह से चलते रहोगे तो 120 से भी नीचे रह जाएगा आपका स्कोर 47 थोड़ा सा स्केलेटर को पाव में दबाए क्योंकि आगे बहुत दूर जाना है तब जा करके आप एक जो है मैच को जो कंटेस्ट बनाने वाला स्कोर बनाना चाहिए तब जाके मजा आएगी पदम जी हाँ छह ओवर की परिसमाप्ति बाद अभी आए हैं मिस्टर पदम और मिस्टर गोलू ने पदम के सौंपे हैं गेंदबाज लंबे रनअप के साथ बॉलिंग मार पे खड़े उठाकर के खेलने के लिए प्रयास थी और सीधा लंगन के दिशा में एक रन के साथ फॉर्म करना पड़ेगा और इस रन के साथ 48 लसअप 1 विकेट 7 ओवर की प्रगति में और निस्तारेमो धन्यवाद जोड़े बाबा चाहे समस्त दर्शक बंधु मान को अपन माने बहुमूल्य समय दे चिताकर्षक मैच देखि बारे अपन माने सफल हो छथि निस्तारे एभली मैच ऑर्गेनाइज कर दिवारो निस्तारे में महोद रॉय वाइट का सारे एंपायर द्वारा लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद और निश्चित रूप से यह वाइट गेंद और एंपायर का इशारा भी इस तरह से स्कोर 49 रन एक विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी खेल दिया इसे स्टेट की दिशा में लेकिन फील्डर मौजूद और एक रन लेने का मौका इस तरह से 50 रन पूरे होते हुए यहां पर बस्तर ब्लास्टर के काफी देर लगा है क्योंकि कल हम लोग एक मैच देखे थे माकड़ी और
शायद बस्तर 11 के बीच में 3 ओवर में शायद 60 रन आया था, लेकिन आज 7 ओवर की प्रगति में 50 रन अभी अभी, और यहाँ पे मौका बन सकता है जी। और बेहतरीन फील्डिंग की नजारा यहाँ पे देखने को मिला 9 नंबर खिलाड़ी के द्वारा, बेहतरीन फील्डिंग की नजारा। आशा है इसी तरह से आप एक दो रन बचाते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर में आप रख सकते हो। फिर से फुल शॉट गेंद को सही जगह में पहुंचाने में नाकामयाब हुई, और इसके साथ एक रन, और इस एक रन के साथ 52 लेस ऑफ 1 होते। यदि एक अच्छा स्कोर खड़े करना है यहां पर बस्तर ब्लास्टर को, तो पर ओवर में, हर ओवर में जो बचे हुए ओवर में कम से कम 2-2, 3-3 बाउंड्री लगानी होंगे निश्चित रूप से ब्रदर्स। इसी तरह से एक दो रन के साथ गाड़ी पकड़ी में पटरी में नहीं आएगा, मैं तो 6 ओवर की प्रगति के मतलब 6 ओवर के बाद ही बताया कि आपका एस्केलेटर में पांव दबाइए, क्योंकि रफ्तार थोड़ा जाना पड़ेगा बस्तर ब्लास्टर को। ये देखिए फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद थी, से जहां चाहे वहां मार सकते थे इस गेंद को, लेकिन जब बल्लेबाज का दिल नहीं होता है तो शॉट अभी नहीं लगते हैं, चाहे खराब गेंदबाजी भी होती है तो शॉट नहीं लग पाते हैं, शायद इसी ऐसा ही होता हुआ बस्तर ब्लास्टर के। सही बात बोले ब्रदर्स, क्योंकि मंजू का जो है खुद कैप्टन जिस तरह से सोच के भेजे थे मैदान के अंदर, उसी तरह से खेल का प्रदर्शन ना दिखाए अभी तक, कोशिश करें कि जितना जल्दी हो पाए सही ढंग से खेले और गेंद को सही निशाना करे, और 7 ओवर की परिसमाप्ति के बाद 53 लॉस ऑफ 1 विकेट बस्तर ब्लास्टर। 8वां ओवर लेकर आएंगे 7 नंबर खिलाड़ी, नेम प्लीज। अजय, और गेंदबाज अजय, शायद स्पिनर बॉलर अजय, और काफी लंबे तगड़े प्लेयर हैं गेंदबाज हैं, देखना है किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। यहां से बाउंड्री लगाने होंगे, खूबसूरत बॉल, एक एक दो दो से यहां काम नहीं चलने वाला, कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लगाने होंगे यहां पर बस्तर ब्लास्टर को। कि काफी पैरों पर गेंद डाल रहे हैं और यॉर्कर लेंथ की गेंद डाल रहे हैं, इसलिए बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए वेट करके खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पर आ रहे हैं, पैर लंबा कर रहे हैं, लेकिन जो बल्ले पर जब गेंद लग रही है उसमें ताकत नहीं आ पा रहा है, इसी वजह से थोड़े से बल्लेबाज बीट होते हुए। काफी सारे बॉल बीट होने में कामयाब हुए हैं मिस्टर मौजू ने, और खुद कैप्टन बस्तर ब्लास्टर की सोचते रह जाएंगे, क्योंकि इसी तरह से बिंदी गेंद निकलते रहेगा तो बहुत नुकसान होगी टीम के लिए, कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पे नीचे खिलाड़ी देखेंगे गेंद को रखने में कामयाब होगा, और समझ बुझ के यहाँ पे गेंद को छोड़ रहे शायद, ऐसे लगा हमको, कोशिश करना चाहिए कि एक विकेट मिलना चाहिए गेंदबाज को, और इस एक रन के साथ शायद एक रन 55 लसक 1 विकेट बस्तर ब्लास्टर। अगली गेंद तैयार, एम्पायर को पार करते हुए मिस्टर अजय छठे रन आपके साथ, फिर से उठा करके खेले गेंद मेडन की दिशा में, एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। बेहतरीन गेंदबाज की नजारा यहां पे देखने को मिला है, जो रोत जो स्कोर का लाइन देखेंगे तो बेहतरीन रुकावट की है 300 कंडागांव ने, जितना तारीफ करूं इतना ही काम, जितने भी गेंदबाज आए हैं सभी अपना अपना काम करके जा रहे हैं। ठीक है,
ऑफ स्टंप की काफी बाहर हवा में एंड लहराते हुए उसके साथ एक रन और इस अतिरिक्त रन के साथ 57 आठ ओवर की प्रगति में फिर से उठा करके खेलने के लिए प्रयास और उसके साथ ओवर की परिसमाप्ति। आठ ओवर की परिसमाप्ति के बाद 57 लॉस ऑफ वन विकेट बस्तर ब्लास्टर। अनुरोध है कि वॉलंटियर्स बांधवान को हमें अनुरोध कर चु पानी नहीं की ग्राउंड पर जहां तो जता संभव अभी तक तुलेस ने अपना 37 रन बना करके मैदान के अंदर खड़े हैं और थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट में चल रहा है उसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहेगा मिस्टर तुलेस। और अभी तक चार ओवर की खेल बाकी समाप्त होने में चार ओवर का खेल बाकी है और गेंदबाज कमल इनका पहला ओवर अच्छा गया था देखा जाए इस ओवर में और इस बार खुद कैप्टन गोलू ने महेंद्र सिंह धानी की तरह वाह क्या बात है बेहतरीन कीपिंग के नजारा मिस्टर गोलू के द्वारा। यार काफी बढ़िया गेंद कहने के लिए स्पिन बॉल थी जब टप हुई हल्का से फिर बाहर निकली बल्ले पास सीधा खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर बैठे। खूबसूरत शॉट लेकिन गेंद बाउंड्री यहां पर मुरली के द्वारा और एक शानदार कैच। और तिलेश जो है अच्छा खेल रहे थे और उसी के बारे में हम लोग अभी अभी तारीफ किए उसके चलते अपना विकेट खोने में कामयाब हुए हैं। और नया बल्लेबाज मलिक काफी अच्छी बढ़िया शानदार कैच कहना चाहिए काफी दूरी से दौड़ते हुए रहा है अच्छा जज जब इधर हम देख रहे हैं थोड़ा सूर्य का प्रकाश है उसके बावजूद भी उस दिशा में उधरी से दौड़ते हैं काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी उनको और काफी ऊपर गई थी गेंद और बहुत ही शानदार जज यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैच कहना चाहिए। और जितना तारीफ करें उतना ही कम मिस्टर मुरली को बेहतरीन यहाँ पे जज किए सूर्य देने किरण डालते हुए उसकी नजरदार करिए और सीधा अपना हाथों में गेंद को पकड़ने में कामयाब हुए और उसके साथ विकेट। और नया बल्लेबाज मलिक सामना करेंगे कमल की गेंद को अभी अभी तिलेश ने आउट होकर पवेलियन लौटे हैं लगभग 38 रन बना करके फिर से उठा करके खेलने के लिए प्रयास रिवर्स खेलने के लिए प्रयास लेकिन जितना तारीफ करें उतना ही कम गेंदबाज मिस्टर कमल को। जी हाँ थोड़ा सा यहाँ पर कीपर भी थोड़ा सा बॉल बॉल बच गए क्योंकि इतने तेजी से घुमाया था बॉल कहीं कीपर को नहीं लग जाता सॉरी बेल बॉल बैट बैट सही बात बोले भाई ये तो चट्टे लाने का महान कारण हो सकता था लेकिन चतुराई है मिस्टर गोलू जी भी क्योंकि चतुराई के साथ कीपिंग करने में माहिर है। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर नवा ओवर की प्रगति में अभी तक जो स्कोर लाइन आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं हम लोग और देखेंगे तो नवा ओवर प्रगति में 58 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओहो माउंड से लैंड होते हुए हैं सीधा उड़न भरा गगन भरा छक्का और ये मंजू के बल्ले से आए। हाँ अभी जो प्लेयर को पता चलेगा वाह बेटा वाह क्या बात है जबरदस्त जो जब जीवन दान मिला तो उसी का फायदा उठाने में कामयाब मिस्टर मांझू अगली गेंद फिर से उठा करके खेले ले बेटा ले दंगन आता हुआ चमकता हुआ छक्का वाह क्या बात है अभी पता चलता होगा आप फाइट लेके खिलाड़ी को जो जीवन दान दिए थे। जी हम लोगों ने पहले खड़े खड़े खेल रहे थे देखा
थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप पर जुड़कर थोड़ी सी बाहर हो रही है, उन्होंने सीधा अपना स्टेप ऑफ स्टंप की ओर बदला और मिड विकेट की दिशा में तो बेहतरीन छक्के लगाए, क्या शानदार छक्के। अब थोड़ी सी अपनी पारी को बढ़ाते हुए यहाँ पर, और ब्रदर्स जो फाइनलर के खिलाड़ी है जो कैच का मतलब छोड़ दिए थे, अभी शायद उन लोग को याद आता होगा कि हम लोग गलती किए हैं। लंबा दो गेंद में छक्का लगा करके फेरा, तीन छक्के लगा चुके हैं मिस्टर मौजू ने, देखने में तो बहुत सरल दिख रहे हैं। और 9 ओवर की परिसमाप्ति, 70 रन। मिस्टर राजा एक मौका बनाता है रन आउट करने का, लेकिन चूके अच्छी गेंदबाजी है, देखिए यॉर्कर लेन की गेंद फेंक रहे हैं, पैरों पर गेंद डाल रहे हैं जिससे वो ही बल्ले तक पहुंचने में जगह नहीं मिल रही है, खुलकर खेलने नहीं दे रहे हैं। ये देखिए शॉर्ट पिच, इस बार 16 रन की गेंद पीछे खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर जाती हुई, फील्डर मौजूद और 2 रनों से यहां पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद थी यहां पर, 16 रन गेंद डाली थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट यहां पर लगाया था बल्लेबाज मलिक ने, थोड़ा सा टाइम नहीं कर पाए, नहीं तो ये गेंद बाउंड्री लाइन के छक्के के लिए भी जा सकती थी। और ये देखिए पूरा पटकी हुई गेंद थी, यहां पर रुकना चाहिए था कीपर से लेकिन रुक नहीं पाया, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी सी पटकी हुई तेज गेंद थी इस बार, हमारा बात को सुनते हुए सीधा एस्केलेटर में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, लाजवाब शॉट। रन ऑन और कवर के बीच में खेला गया शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। जितना तारीफ करूं उतना ही कम मिस्टर मलिक जी को, आते ही कबरतर बल्लेबाज पहले 2 गेंद को कोशिश किए कि रिवर्स खेलने के लिए, उसके बाद पता चला कि नहीं नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, ओवर पिच बॉल थी, बल्ले के जस्ट सामने थी, दिशा बस दिखाना था और एक पैर निकाला और बेहतरीन तरीके से हवा में खेल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी इस बार, और वाइड का इशारा, और देखना है यहाँ पर मिसफील्ड भी हुई है कीपर से, तो 2 रन इस प्रकार से 2 बाई और 1 वाइड के रूप में 3 रन मिलता हुआ। रन 85 रन जबकि 10वां ओवर प्रगति पर है, इसके बाद सिर्फ 10 ओवर शेष है, यह देखना होगा क्या 120 के आसपास यह लक्ष्य पहुंच पाती है। और यहां पर एक अच्छी गेंद, पैरों पर डाली हुई गेंद थी, काफी सूझबूझ गरीब गेंदबाजी, यदि आपको बल्ले से दूर रखना है बॉल को तो पैरों पर डाली गेंद, लेग स्टंप और मिडिल स्टंप पर यह गेंद। और अजय जो कि काफी पीछे ओवर काफी अच्छा गया था, इस बार एक छक्के खा चुके हैं और एक चौके भी खा चुके हैं, शानदार तरीके से खेल दिया लेकिन टाइम उतना अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद और दोनों यहां पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग कहनी चाहिए 300 कोंडागांव से, बॉलिंग तो काफी गजब की है लेकिन थोड़ी सी यहां पर हम फील्डिंग को कहेंगे थोड़ी सी साधारण फील्डिंग यहां पर होती हुई, इस प्रकार से स्कोर बढ़ता हुआ 88 दो विकेट के नुकसान पर 88 रन। 2 ओवर शेष, 12 गेंदे शेष, 8 विकेट शेष, 12 गेंदे शेष, देखना है इन 12 गेंदों में कितने रन बना पाती है और कोंडागांव की टीम कितने रनों तक रोक पाती है। कम से कम 120 रन तो बनना नामुमकिन ना कहूं, क्योंकि बन सकता है एक ओवर में 20 रन भी आ सकता है, 15-17 रन भी आ सकता है, कोशिश करें कि 120 रन का जो लक्ष्य रहेगा वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जी सूरज जी बिल्कुल सही काम रहे, यदि 120 रन का जो टारगेट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर 10 रन प्रति ओवर रन बनाने होंगे शुरुआत, जो शुरुआती से, जो कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बस्तर ब्लास्टर के पास भी काफी अभी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। स्कोर 88 रन,
दो विकेट के नुकसान पर पदम। अच्छा थोड़ी सी तेज जल्दी खेल पड़े थे बॉल को और गेंद बाउंड्री लाइन पर जाती हुई मिसफील्डिंग और चार रन। काफी साधारण सी फील्डिंग यहां पर कोंडा का 300 के द्वारा। और मल्लिक ने घर से बना करके आए हैं, उनका बल्ला से बल रहा है। वाह क्या बात है, पहला चौका इस ओवर की। खूबसूरत शॉट, लाजवाब ड्राइव। तब खिलाड़ी केवल देखते रह गए, फील्डर किसी को हिलने का तक का मौका नहीं मिला। इस प्रकार का एक करारा पास निश्चित रूप से जी बिल्कुल किसी भी फील्डर को यहाँ पर खेलने का मौका नहीं मिला, बस देखते ही रह गए बॉल को। गोली की रफ्तार से यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। पदम 96 लास्ट ऑफ टू विकेट्स। वाह क्या बात है बेटा, वाह क्या बताऊं तुम्हारे बारे में, क्या बताऊं मलिक जी, वाह वाह पूरा खा के दबा करके आए हैं आज। 102 रन, 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर 102 रन, एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पर। 3 गेंदों पर 14 रन दे चुके हैं पदम। ताली के साथ अभिनंदन करते हुए बस्तर ब्लास्टर के खिलाड़ियों ने। आएगा 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 और इस बार लपेट दिया इस बॉल को, दोनों फील्डर के बीच जाता हुआ, लेकिन यहाँ पर मिसफील्डिंग और 2 रन लेने का मौका। पुनः 104 रन। हड़बड़ी में गड़बड़ी है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसी तरह से संभल के फील्डिंग की नजारा बनाने करके रखने के लिए कोशिश करे कंडा गांव 300 के खिलाड़ियों को। और इसके साथ इस बार पटकी हुई गेंद थी और 6 रनों के लिए से बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिया। पटकी हुई गेंद थी, देखा और काफी तेजी से बड़ा चला रहे हैं और इस ओवर पर कुल रन बनता हुआ पूरी तरह से 22 रन बने इस ओवर पर 5 गेंदों पर। अभी भी एक गेंद से और यहां पर मिस टाइम कर बैठे और पूरा का चूरता हुआ। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ओवर की समाप्ति। 3-3-1 कैच अपन देखे मुरली की, क्या बेहतरीन कैच। और एक 3 कैच ऐसे जो हाथों पर आई थी उसे नहीं ले पाए। 3 मिस फील्डिंग, बाउंड्री 4 रन से जाती हुई। इस प्रकार से काफी साधारण फील्डिंग यहाँ पर 300 कोंडा गांव का। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन फील्डिंग बहुत ही खराब हो रही है इस बारे में भी कोई संदेह नहीं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही जैसे ही है। और ट्रिपल वन यहाँ पे 11 ओवर की प्रगति के बाद सही परिसमाप्त के बाद ट्रिपल वन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मलिक देखिए अभी 2-3 ओवर पहले आए थे, अपना स्कोर 35 रन कर बैठे, 35 रन, काफी शानदार बल्लेबाजी। देखेंगे इस ओवर में 15 रन अपना बैट में निकाल सकते हैं कि नहीं, अपना बल्ला पे निकाल सकते हैं कि नहीं। इनिंग्स का 50 रन देखने को मिलेगा कि नहीं दर्शक को वो उम्मीद रखे हैं। और यहाँ पर विकेट इस बार ले लेंगे विकेट, कई गलती नहीं। और उसके साथ अपना निजी स्कोर 35 बना के मबिले लौटते हुए मिस्टर मल्लिक ने। और जिस तरह से रन अप चल रहा था थोड़ी सी यहाँ पर स्कोर गति रुकता हुआ, पिछले ओवर में काफी अच्छे रन बने थे, 23 रन लगभग आए थे और पहली गेंद पर पहला विकेट। अब नेक्स्ट बल्लेबाज शिवम, देखते हैं क्या शिव का रूप धारण कर पाते हैं नहीं। शिवम भगाने होंगे उन्हें, 5 गेंदों पर कम से कम 2 या 3 छक्के तो लगाने ही होंगे या स्ट्राइक देना होगा जम्मू को, जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं अभी तक टिके हुए हैं और इन्होंने पिछले कोमल के ओवर में 2 शानदार छक्के भी लगाए थे और वहीं पर उठा दिया है।
और पूरा विकेट गिरता हुआ दूसरा विकेट। बल्लेबाजों को चाहिए थी स्ट्राइक देने यहाँ पर, क्या नाम जम्मू को, क्योंकि उन्होंने काफी पड़ा है दो बॉलों पर दो विकेट, हैट्रिक का मौका यहाँ पर कोमल को। और अब आ रहे विकी, बढ़िया गेंदबाजी कोमल के द्वारा, देखना है विकी क्या कर पाते हैं। 112 रन, ट्रिपल वन, 111 रन, जी हाँ। और यहां पर आसानी से सिंगल, 112 रन, चार विकेट के नुकसान पर। यहां पे मंजू को, मंजू ना जम्मू को मिला है। हेलो हेलो, अंतिम तीन गेंदे जम्मू को ही खेलना पड़ेगा, देखना है खेलना चाहिए क्या स्कोर कर पाते हैं। ये देखिए खूबसूरत तरीके से खेला गया शॉट, जो दो बल्लेबाज थे, जो दो बल्लेबाज अभी लगातार जिन्हें दो विकेट गिरा, यदि सिंगल निकाल देते तो अभी इन दो जो रन नहीं बने उसमें भी रन बन सकते थे। बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन, स्पीड को खेला है उन्होंने, देखा कि थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बाहर निकलती हुई, रिवर्स कर दिया इस बॉल को और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा पैर द्वारा। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन, 117। और यहां पर गिल्ली अभी खेलते हुए 28 अपने टीम के लिए 28 रनों का योगदान देते हुए जम्मू ने पवेलियन को वापिस गए, हालांकि काफी दौड़ गेंदें भी खेली उन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी इस बार, ज्यादा ही स्ट्रांग लाइन चले गए और सीधे गेंद स्टंप को ले उड़े, बहुत ही चतुर भरे बल्लेबाजी। इस ओवर में तीसरा विकेट मिलता हुआ कोमल को। सोना जी हेलो, और जिस तरह से ब्लास्टर ब्लास्टर को जो चाहिए था कम से कम 120 रन, वहां तक तो पहुंचने के लिए तीन रन का दूर है शायद, तीन रन का दूर, कम से कम एक चौका या दुका नहीं तो तीसरा आना चाहिए। ये अंतिम गेंद है, देखेंगे किस तरह से बल्ला घुमाएंगे और सीधा हमारा बात को सुने और सीधा छक्का आता हुआ और इस 6 रन के साथ 123 रन। या बिल्कुल सोना जी, हम 120 रन का उम्मीद लगा रहे थे, यहाँ पर 3 रन ज्यादा हो गए, आ ही गया। और निश्चित रूप से मैं तारीफ करूंगा मिस्टर मलिक को, और जितना तारीफ करूं उतना ही कम, आगे पूरा कबरतर बल्लेबाज की है। जी हाँ, काफी खूबसूरत गेंदबाजी हुई थी, 7 ओवर तक लगभग जगदलपुर के सॉरी बस्तर ब्लास्टर के बल्लेबाजों को बांध कर रखा था और एक समय ऐसा लग रहा था कि लगभग 60 या 70 के आसपास ही ये टीम रन बना पाएगी। उसके बाद काफी शानदार बल्लेबाजी, जब मलिक आए बल्लेबाजी करने के लिए उसके बाद पूरा माहौल ही बदल डाला और अब डायरेक्ट 123 रनों का यहाँ पर, 24 रनों का यहाँ पर लक्ष्य देते हुए उन्नाव जो कि बेहतरीन टीम मानी जाती है, गोलू है उनके पास, मुरली है, काफी अच्छी अक्रम है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। यदि ये 4-5 बल्लेबाज हैं जो काफी प्रभावशाली हैं, यदि ये चल दिए तो यह स्कोर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन गेंदबाजी भी देखनी होगी, काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज जीरो नहीं बनाया था बिल्कुल होंगे बस्तर ब्लास्टर में, रन जीरो ही लिखे जीरो लग रहा है। और मैं एम्पायर लोग को मैं ध्यान देने के लिए कहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, जितना जल्दी हो पाए खेल का शुरुआत करने के लिए तैयार रहे। या एम्पायर से निवेदन,
मैच को जल्दी से जल्द करवाएं क्योंकि इसके बाद एक मैच और होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुणे एम्पायर महोदय जी से निवेदन।
जल्दी आओ। बस बस कब तू मैंने समझाए दी फिर कौन सा झूठ बनाएगा और इस बीच और पहला इनिंग्स क्या खत्म होते होते दूसरा इनिंग का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं हमारा एम्पायर महाशय ने और गेंद बॉलिंग मार्क में आएंगे और गेंदबाज जम्मू और बल्लेबाज स्ट्राइक में है गुल्लू। जम्मू किसी तरह से गेंदबाज करेंगे और गोलू ने किस तरह से बल्लेबाज करेंगे कुछ ही पल में पता चलेगा। अगली गेंद यार सामना करते हुए और सीधा यर्कल लेन गया था उसी को और यहां पे मौका बन सकता था बेहतरीन थ्रो पांड्या ब्रदर के द्वारा बेहतरीन थ्रो यहां पे देखने को मिला और उसके चलते एक रन के साथ। जी हाँ बिल्कुल यदि गेंद सीधे थ्रो लगती तो पवेलियन की ओर भी जा सकते थे गोलू और सजावट देखेंगे तो सीधा सर्कल के अंदर सॉरी बाहर दो खिलाड़ी है और उसके साथ काफी खराब गेंद थी लेकिन सही निशाना आया नहीं बल्ला पे और बिंदी गेंद और अभर की दूसरा गेंद बिंदी आया और उसके साथ एक रन मतलब एक रन के साथ अभी भी मौजूदा स्कोर चल रहा है और उसके साथ और यहां पे मौका बन सकता था शायद थोड़ा सा हाफिल नाकार किए हैं अंपायर हेमराज जी ने काफी अनुभवी अंपायर माने जाते हैं मिस्टर हेमराज जी ने और नाकार किए। थोड़ी सी रनिंग पुरिंद विकेट में थोड़ी सी परेशानी होती हुई गोली और पदम के बीच दोनों ही काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और एक अच्छे बल्लेबाज को यदि रन आउट होकर हम वापस चले जाते हैं तो काफी दुख होता है। तो दोबारा दोनों ही यहां पर मंत्रा करते हुए कि अगली गलती हमसे नहीं होगी ऐसे खूबसूरत शॉट और जो अतिरिक्त दो खिलाड़ी जो बाहर में हैं गोलू के लिए मेंडन के दिशा में और लंगन के दिशा में और पदम के लिए मेडन और सॉरी पॉइंट के दिशा में पॉइंटर गली के दिशा में देखा जाए मंजू यॉर्कर लेंथ की गेंद पूरी तरह से चुके गोलू। जी हाँ दोनों प्लेयर काफी बार एक दूसरे से खेल चुके हैं जानते हैं कहाँ उनकी ताकत है कहाँ उनकी कमजोरी है। इस तरह से दोनों ही टीम अपना अपना फील्ड सजाते हुए और यहाँ पे एक चीज देखने को मिला जो मुस्कुरावट वाह बेहतरीन ये जो गेम का स्प्रिट है और सीधा यॉर्कर फेंकने की चक्कर फुल टॉस दे बैठे बॉल को और गोलू को हाथ छोड़ने वाले हैं फुल टॉस बॉल को सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए ओवर का इशारा पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन।
में आया लड्डू और सीधा नाका किए और खा लिए और सीधा बाउंड्री के बाहर छह रन, जो खराब गेंद था। और पांड्या ब्रदर ने गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। की गेंद अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बॉल को लगातार रख पाना उसी लेंथ पे काफी मुश्किल होता है। पकड़ी हुई गेंद, यहां पर फील्डर, यहां पर क्या फील्डर मौजूद है, लेकिन काफी दूर और एक रन लेने का मौका। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 300 कोंडा गांव। थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा स्लो भी रखा था बॉल को और उठाकर खेलने की कोशिश। शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। उनके रडार पर थी ये बॉल और कितनी शानदार तरीके देखिए कलाइयों का प्रयोग करते हुए खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में, बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। देखने लायक का शॉट था और मिस्टर गल्लू के ये दूसरा छक्का, और इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे। आधा डजन का रन आ चुके हैं शायद, आप देखेंगे एम्पायर का निर्णय। जी हाँ, जो हमारे आसपास से आए हुए युवक क्रिकेटर जो खेलने का शौक रखते हैं या आगे भविष्य में यदि खेलना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनको देखने की जरूरत किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाती है। देखिए लगभग बाउंड्री पे गिरी थे जिल्ला पाई, यहाँ पर कुछ मंत्रणा होते हुए यदि गेंद बाउंड्री को टच करती हुई, जो बाउंड्री लाइन दिख रही है उसमें यदि टच करती है तो निश्चित ही 6 रन यहाँ पर देखना होगा। एम्पायर का इशारा क्या होगा, ओवर सांगते नहीं। बहुत ही अनुभवी एम्पायर महेश, और 4 रन देते हुए निश्चित रूप से एम्पायर का अंतिम निर्णय 4 रन आया और इस 4 रन के साथ 13 रन और बेहतरीन बल्लेबाज की नजारा। दो बाउंड्री आ चुके हैं मिस्टर गुल्लू ब्रदर के बल्ला से। अगले गेंद तैयार, एम्पायर को पार करते हुए मिस्टर पांड्या ब्रदर ने, देखेंगे किस तरह से गेंदबाजी करने में कामयाब होगा। पूरी तरह से और देखेंगे, वाइड की मांग था लेकिन नाकार किए हैं और बाउंस गए और फर्स्ट बाउंस की वार्निंग देते हुए यहां पर एम्पायर महेश। अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और सीधे कंधे के ऊपर से निकलती हुई गेंद, जिसे शॉट मारना काफी मुश्किल होता है। अगली गेंद अचानक तरीके से देखिए पैर उठाया, अगला पैर उठाया और सीधे इसे खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार शॉट, ये शॉट अधिकतर रोहित शर्मा खेलते हैं ये शॉट, और बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह यह शॉट खेला गया था। अभी एक पैर अपना पैर उठाया और शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कहने चाहेंगे? सही बताए ब्रदर्स, सही बताए। इस तरह से पूल खेलते हैं, ये छठी गेंद को पूल में तकदील की है और सीधा बाउंड्री बाहर 6 रन। और यहाँ पे पॉइंट की दिशा में खेलने के लिए प्रयास था और ओवर की परिसमाप्ति, 2 ओवर 19 रन। ये पहला पावर प्ले का चल रहा है, अभी दो खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे। 19 रन जिस गति से रन चाहिए कोंडागांव 300 को, उस गति से रन बनता हुआ। अब यहां पर ए गोलू के खाली छक्का मार बोला।
जी हाँ, तो बेहतरीन शॉट है यहाँ पर गोली के द्वारा देखने को मिले, एक रोहित शर्मा के द्वारा फ्लिक कर दिया पैर उठा के, बहुत ही खूबसूरत शॉट था, अद्भुत शॉट कहना चाहिए। और पदम क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बल्ला घुमाना चाहते थे लेकिन अच्छी बॉलिंग और चूके। अपना कोटा के दूसरा ओवर, गेंदबाज करने के लिए कोशिश और यहां पे कट करने के लिए प्रयास था, खिलाड़ी मौजूद और बिंदी गेंद यहां पे देखने को मिला है मिस्टर मंजू के द्वारा। जी हां, शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी मौका था उन्हें इस गेंद को खेल देते पॉइंट के ऊपर से तो गेंद सीधे बाउंड्री की ओर चार रनों के लिए जा सकती थी। खूबसूरत शॉट घुमा दिया गया बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए। अनुरोध है कि गेंद को जितना जल्दी हो पाए मैदान के अंदर दीजिए, क्योंकि इस खेल के बाद और एक मैच अनुष्ठित करेंगे। कमेटी की ओर से निवेदन है, जितने भी वॉलंटियर भाई लोग हैं आप लोग तैयार कर रहे हैं। फिर से काट करने के लिए प्रयास, ये देखिए इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी, आप स्टंप पर ही रखने होंगे गेंद, यदि लेग स्टंप और मिडिल स्टंप पर करेंगे तो शानदार फ्लिक करना जानते हैं, कट पुल ये सब मौजूद है इन दोनों बल्लेबाजों के पास। किनारा में लगी गेंद और बिंदी गेंद आ चुका है, शायद आखिरी गेंद होगा इस ओवर की। 25 रन तीसरा ओवर समाप्ति पर, समाप्ति की ओर अग्रसर, और पुनः अच्छी गेंद, देखिए तीन प्रकार तीन तरीके से इन्होंने गेंद फेंकी और कोई रन नहीं बना, और उन्होंने एक गेंद स्टंप पर फेंकने की कोशिश की, उसे शानदार तरीके से घुमा दिया गेंद बाउंड्री लेन के बाहर छह रनों के लिए। तो इस तरह से 18 गेंदों पर 25 रन बन चुके हैं, अभी भी 99 रनों की जरूरत, यानी 9 ओवर में 54 गेंदों पर 99 रन बनाने हैं, जबकि पूरे 10 विकेट शेष हैं कोंडागांव के पास। चोना जी, बन सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट का आकलन करना नामुमकिन होता है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान को मैक्सवेल ने जिताया, कोई भरोसा नहीं था, मतलब जो जिस तरह से अफगानिस्तान का गेंदबाज ने गेंदबाजी किए थे 93 में 7 विकेट गिरे थे, उसके बाद 201 रन बना के अपना टीम को जिताने में कामयाब हुए हैं। तो इसी तरह से जी हाँ वो पारी पूरे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे अद्भुत पारी रही है, ये जितने भी जो क्रिकेट के बहुत महान महान जो हमारे भूतपूर्व खिलाड़ी हैं वो कह चुके हैं, एक टांग से उन्होंने पूरा, अकेले खिलाड़ी ने एक टांग से पूरे मैच को जिताया है, शानदार अद्भुत पारी थी, अविस्मरणीय, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, बहुत ही शानदार पारी मैक्सवेल के द्वारा। रिवर्स खेलने की कोशिश, गुड लेंथ की गेंद थी, थोड़ी सी तेजी से आती हुई और इसे रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन चूके, और इसके साथ बॉलर्स ने मलिक जी, ये देखिए उठा दिया, फील्डर यहां पर मौजूद क्या है, और लेकिन काफी दूर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और काफी दूर और सीधे छह रनों के लिए। हालांकि गेंद थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, और जितने भी हमारे जो दर्शक साथी हैं, बाउंड्री लाइन पर ना रहे, थोड़ा सा दूर रहे, जितने भी हमारे जो दर्शक साथी हैं जो बाउंड्री लाइन पर बैठे हुए हैं लाइन में, उनसे निवेदन है, यहाँ कमेंट्री, यहाँ जो हमारे जो कमेटी मेंबर है उनसे निवेदन, जाएं और वॉलंटियर्स हैं। खूबसूरत शॉट और ये भी छह रन, सॉरी 4 रन। और निश्चित रूप से ये बेहतरीन बल्लेबाज, दो गेंद में दो बाउंड्री आ चुके हैं मिस्टर गुल्लू के बल्ला से,
और यहाँ पे वाह क्या बात है जी, तीसरा जो भाई सफर की तीसरा बाउंड्री है दो चौका और एक छक्के के साथ। इस ओवर में 14 रन बटोर चुके और गोलू का स्कोर होता हुआ टोटल स्कोर 39 39 रन। और फुल टॉस गलती है और मांग था लेकिन लैंड हो रहे थे, एम्पायर ने बिल्कुल नकारा यहाँ पर, क्योंकि कमर से एम्पायर को लगा ये गेंद कमर के नीचे है, इसलिए इस अपील को खारिज किया। एक मौका था इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का। पुनः फुल टॉस गेंद और इस ओवर में लगभग 20 रन बना चुके चार ओवर में 45 रन, जो रन रेट चाहिए 10 का रन औसत, उस रन रेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हुए गोलू और पदम सोना जी। और ये हम लोग को देखने को मिला जो तीन ओवर था उसी में इतना रन नहीं आए थे, और जो आखिरी का चार ओवर आया पावर प्ले खत्म होने के बाद जिस तरह से रन पलक झपकते चली गई है और सीधा 45 रन सब जीरो विकेट नेम बलदेव। और बहुत ही सुंदर तरीके से खेला गया शॉट चार रनों के लिए। एक और पूरा जितने भी दर्शक हैं जो बाउंड्री लाइन पर है उनसे मेरा निवेदन अनुरोध थोड़ा सा दूर खिसक के बैठ जाएं। और यहाँ पे गेंद गेंदबाज को थोड़ा संभाल के गेंदबाजी करना पड़ेगा। हाँ जी यहाँ पे बिंदी गेंद आता हुआ पहला बिंदी गेंद सबर की पहला गेंद को चौका में तब्दील किए थे मिस्टर बलदेव ने और थोड़ा सा 39 फाइव ओवर की प्रगति में और इस एक रन के साथ 50 रन पूरी हुए टीम की पांच ओवर की प्रगति में 50 रन। और जिस तरह से रन रेट चल रहा है उसी तरह से ही अंतिम ओवर तक खेलना पड़ेगा जी। अभी भी 74 रनों की आवश्यकता 74 रन चाहिए लगभग लगभग 46 रन और काफी पतली हुई गेंद से खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस तरह से भी गेंदबाजी करेंगे शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे तो बल्लेबाज डीजे कृष्णा गोलू इतने शानदार बल्लेबाज हैं छोड़ेंगे नहीं, हो थोड़ा सा लाइन में परिवर्तन करता हो रहा फुल लेंथ पे बल्ले गेंदबाजी कर रही होगी ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रही होगी तब कहीं यहाँ पर मौका बन सकता है। और गोलू का व्यक्तिगत स्कोर 43 रन 43 रन बना चुके हैं। खूबसूरत शॉट वाओ लाजवाब बेहतरीन क्या शानदार शॉट, ये ऐसा शॉट था देखिए कवाई का कितना शानदार उपयोग देखा। थोड़ी सी गेंद शॉर्ट पिच शॉर्ट नहीं गुड लेंथ पर है थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर हुई है देखिए कवाई का कितना शानदार प्रयोग करके गोलू की रफ्तार से गेंद चली और खिलाड़ी सिर्फ दर्शक ही बनकर रह गए बेहतरीन शॉट। इस तरह से 47 रन पर जा पहुंचे यहाँ पर गोलू सोना जी। और निश्चित रूप से जितना तारीफ करूं उतना ही कम मिस्टर गोलू और ये अंदर का गेंद था तो सम्मान देते हुए अपना 50 रन के अग्रगति में चलते हुए मिस्टर गोलू जी ने अब तक शायद 48 रन में बना करके नाबाद है जी। बहुत ही ओवर की समाप्ति 61 जब कोई बल्लेबाज गोली की रफ्तार से जब आप साइड में लगाता है शॉट या कट करता है या कट करता है या पंच करता है काफी दर्शनीय शॉट होता है देखने लायक शॉट होता है और कलाई के द्वारा क्या सब खूबसूरत शॉट बेहतरीन शॉट। और ये सब चीज को देखने के लिए आते हैं दर्शक, ये नहीं मिला तो दर्शक का मन दुख होता है और लेकिन यहाँ पे गेंदबाज का भी एक मंत्र करना चाहिए क्योंकि मंत्र जब आएगा
तब विकेट मिलेगी। देखा जाए अभी तक साधारण गेंदबाज देखने को मिला है कंडा का, सॉरी ब्लास्टर, बस्तर ब्लास्टर की ओर से। और फिल्टर कैसी से उठाकर कर दिया गेंद और बाहर, और 50 रन पूरे होते हुए यहां पर बल्लू के शानदार बल्लेबाजी 54 54 रन। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहां पर, फुल टॉस गेंद, लगभग तीन गेंद फुल टॉस पर थे कि जिन्होंने तीन छक्के लगाए हैं गोलू ने, शानदार फुल शॉट भी लगाया था पैर उठा के, बेहतरीन बल्लेबाजी। हेलो बोल 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 सहयोग करंतु निस्तावरे पुरना बॉल जदी आपन पाकरे अछि कमिटी ग्रो मेंबर्स को हम अनुरोध करछु निस्तावरे तीन तीन टी बॉल ग्राउंड मधे जाइछि। हम आशा करूछु आपन मान तीन तीन टी बॉल न दे गुटे बॉल देले एम्पायर खुश हो जिवे। 73 और निस्तावरे 73 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद को रखने में कामयाब होगा कि नहीं, और कामयाब यहां पे एक रन दो रन की मार, और हमारा साथी कमेंटेटर आए हैं कैलाश ब्रदर्स, और निश्चित रूप से आपको अपना मधुर कंठ से कमेंट्री करने में कामयाब होगी। धन्यवाद। क्या नाम है? आर के सोना जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके कमेंट्री के लिए, मैं आभारी हूँ, और सभी दर्शकगण को जानकारी के लिए मैं एक बार फिर आपके सामने, अगर कहीं गलती होगा तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों। और इस बार गोलू का बल्ला चढ़ चढ़ के बोला और गगनचुंबी सुल्तानी छक्का, बेहतरीन। और इसी छक्के के चलते स्कोर जा पहुंची है 81 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। क्या कमाल का बल्लेबाजी, वाह गोलू वाह, तुझे क्या कहना। और बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन अपने स्टाइलिश के साथ गेंद को निकाले थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगभग 130 मीटर का छक्का, बेहतरीन छक्का। और वान से गेंद ने देखा था फील्डर रोकने में नाकाम नहीं, और उनको चूमती हुई निकल चुकी है इस बार गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आंखों में पूरा चुप, मतलब पूरा बना लिए फुटबॉल की तरह। जी बिल्कुल 85 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। कहीं ना कहीं इसे साझेदारी को तोड़ना होगा, अगर दबाव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लेंथ को बदलना होगा। और कमाल का शॉट, वन सेकेंड बाउंस, इस बार 4 रन, बेहतरीन चौका इस बार, कवर पॉइंट से गेंद को, डीप कवर से गेंद को निकाले हैं 4 रनों के लिए। और इसी 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंची है तेजी से 89 रन रोल लॉस ऑफ 0 भी विकेट, और केवल 35 रन का ये फैसला। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नर्वस कर चुके हैं, और विस्फोट का अंदाज में अपने ही रूप अपना आए हैं बिल्कुल गोलू जी, और कमाल का बल्लेबाजी गोलू के द्वारा सौरभ भाई। और 76 रन बनाकर अभी भी अपने टीम के लिए चट्टान की तरह डटे हुए हैं। और जहां तक अगर बात करें, बार थोड़ी सी स्टीयर किया है गेंद को, और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी चहलकदमी के साथ फिर से सिंगल बटोरे हैं बिल्कुल, और इसे सिंगल के चलते स्कोर जा पहुंची है 90 रन लॉस ऑफ 0 विकेट।
और जितना तारीफ करो उतना मिस्टर गल्लू ब्रदर को अपना हवाई पायर में और यहाँ पे मौका बन सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेड की तरफ खेलते हुए लंबी दौड़ तो लगाए थे लेकिन बॉल तक पहुंचने में नाकाम रहे और इसके चलते बेहतरीन अपने आंखे के इशारे से केवल सिंगल रन यहाँ पे चुराते हुए मिस्टर गोलू जी पूरी तरह से दर्शक बन गए हैं फील्डर्स ने। जी बिल्कुल, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट, बेहतरीन कमाल का छक्का। प्रिया दर्शक बंधु अपन बात देखुंत वस्त्र ब्लास्टर बना 300 को डगा निश्चित भाव रे अति सुंदर भाव रे विस्मरणीय गोलू का खेला निश्चित भाव रे। दर्शक बंधु हम आशा करो छो दो थी पदमंगर बैटर मध्य गोटे 50 रन आसी बारे ये तो देखिए और विकेट कीपर से इस बार मिस होता हुआ और बॉल एक बार छूटती हुई निकल चुकी है विकेट कीपर के बगल से एक बार सीमा रेखा से बाहर दंदराता हुआ सनसनाता हुआ ये चार और टोटल स्कोर 101 रन 300 का डगाव और 23 रन की जरूरत है केवल 23 रन का मामला है। जी बिल्कुल, 3 छक्का आ जाएगा इस ओवर में भी खत्म हो सकता है। जी जी बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़ी सी केरी करते हुए गेंद अंपायर की दिशा में और जिसके चलते यहाँ पे रन लेना चाहते थे लेकिन मिस्टर गोलू ने यहाँ पे नकार दिया है इस रन को, रन का कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल। और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्रिकेट एसोसिएशन को और लफुल टॉस गेंद इस बार देखा जाए रोकने में क्या कामयाब हो पाएंगे फील्डर लेकिन रोकने में नाकाम। जी बिल्कुल, कामयाब बने हैं बिल्कुल और केवल एक रन से ही अपने अपने छोर में बदल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज अभी तक तरसते हुए विकेट के लिए अभी भी फटकते हुए विकेट के लिए बस्तर ब्लास्टर 10 विकेट में जीत सकते हैं इस मैच को क्योंकि बेहतरीन जो जोड़ी का चला रहे हैं दोनों लोग अपने पदम ब्रदर्स और गुल ब्रदर्स ने बेहतरीन 7 ओवर की परिसमाप्ति के बाद 102 रन ला सब 0 विकेट वाई कंडागांव 300 जीतने के लिए केवल 22 रन चाहिए 300 कंडागांव को। हाउडी गेंदबाज का फिर से आगमन होता हुआ बोलर्स ने भाई बराबर से मैच महंड वर्सेस हीरापुर महंड वर्सेस हीरापुर और थोड़ी सी यहाँ पे यर्कर लेंथ के गेंद डालने के लिए प्रयास लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बेहतरीन गेंदबाजी उमेश के द्वारा इस बार पहले ही गेंद को यहाँ पे टॉट निकालते हुए रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे मैक्सवेल के जैसे लेकिन बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं अरे नजदीक में ही गेंद लुढ़क चुकी है बिल्कुल रन का कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल। अरे कमाल का गेंदबाजी दो गेंदों में दो लगातार डॉट निकालते हुए उमेश जी और थोड़ी सी घुटने ठीक कर यहाँ पे बल्ले आक्रामक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार बॉल देखा जाए बेहतरीन यहाँ पे फील्डिंग और जब तक फील्डिंग करेंगे बड़ी सहलकदमी के साथ आराम से यहाँ पे सिंगल बटोरते हुए 300 कोंडागांव अनिश्चित तौर पर और जितना तारीफ करें उतना ही कम मिस्टर गोलू। जी बिल्कुल, और यहाँ पे नकल गेंद फेंकने में कामयाब हुए तो और एक रन लेने में नाकाम यहाँ मना कर दिए हैं गुल्लू ने और चौकी के साथ डील करने के लिए सोचे अपना दिमाग में। जी बिल्कुल, अरे कहीं ना कहीं बड़ी सोच के साथ उतरे थे और सही अपनाए हैं अपनी टीम के लिए और इस बार शॉट पॉइंट के दिशा से इस बार उस खिलाड़ी के ऊपर सर के ऊपर से गेंद को निकाले इस बार सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जहां तक अगर बात करें गोलू का अपने खुद का स्कोर 81 बनाकर अभी भी नाबाद है अपनी टीम के लिए चट्टान की तरह डटे हुए हैं मतलब 123 रन के चलते एक ही बल्लेबाज का 81 रन। जी बिल्कुल, और देखिए जड़ भी कहती इस बार तो पर भी बल यहाँ पे रन लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक बनाते हुए अपने आप को और स्कोर का अगर बात करें
108 रन और व्यक्तिगत रन और खुद का व्यक्तिगत स्कोर गोलू का 81 रन बनाकर अभी भी लाबाद है। शायद इस ओवर में खत्म करने में सोचे हैं, सोचना भी चाहिए मेरे दोस्त, और निश्चित रूप से क्योंकि अगले मैच भी है, दर्शक शायद आए हैं और इसके साथ बिंदी गेंद। निश्चित भाव है, अति सुंदर भाव है, चमत्कार बैटिंग गोलू भाई को द्वारा। क्लीन बोल्ड इस बार जाके सीधे डंडे में लगा है और अपने काम को पूरी तरीके से बनाकर सीधे वापस जा रहे हैं। गोलू वाह गोलू वाह, बेहतरीन कमाल का बल्लेबाजी और अंत यहां पे होता हुआ गोलू का। 81 बना के पवेलियन लौटे मिस्टर गोलू ने, और जिस तरह से ओपनिंग बैट्समैन आकर जिस तरह से अपना पल्ला चलाए थे और सीधा जीत का आखिरी समय तक थोड़ा सा बचा था और उसके साथ अपना विकेट खोए और सीधा पवेलियन लौटने में कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, नाइट ओवर रनिंग निश्चित तौर पर 108 रन 300 को डगाओ, लॉस ऑफ वन विकेट। जीतने के लिए 16 रन चाहिए 300 कोटा गांव को, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का आधार पर। और इस बार नीचे फील्डर वन कैच, वापस जाना पड़ेगा इस बार। वन डाउन के बल्लेबाज 25 नंबर जर्सी के में आए थे, लेकिन इस बार को सीधे विकेट चटकाने में कामयाब इसी तौर पर। लॉग ऑन पे खिलाड़ी यहाँ पे जाल फंसाने के लिए जाल भी जाए थे और उसी जाल में फंसे हैं बिल्कुल, और सीधे अपनी खाता भी खुल नहीं पाए और वापस अपने डगआउट में और हेट्रिक के तलाश में रहेंगे बिल्कुल। वस्तर ब्लास्टर का बाहर थी और इसी तौर पर यही खेल और परिसमाप्ति पर नेक्स्ट मैच हम दर्शक बंधु हीरापुर वर्सेस मोहट रेडी ही की था तो उभय दल प्लेयर बंधु परवर्ती मैच में बैट्समैन ने प्लीज बताएंगे भाई ओगेस। जी बिल्कुल ओगेस आए हैं अब स्ट्राइक के जोर पे ओगेस और हैट्रिक के तलाश में। जी बिल्कुल चल पड़े हैं राइट आर्म राउंड द विकेट और यहाँ पे हैट्रिक से चूकते हुए तो पर भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ ओगेस और एक रन से संतुष्ट किया है अपने आप को और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंची है 300 कोटा का 109 रन लॉस ऑफ टू विकेट। दसवां ओवर बिल्कुल जारी, सॉरी नवां ओवर। कहाँ हो सभी 14 रन अच्छा ये देख खत्म हो गई ना कोंडा गांव जीती है संभाल और तुम्हारा तो नेक्स्ट में हवे अभी तो पता नहीं चलेगा नहीं बाद में 14 रन वर्तमान 14 रन का आवश्यकता आ रही थी वर्तमान 3 ओवर तथा 18 की बॉल रे 15 रन का आवश्यक सॉरी 14 रन हेलो 18 के दो मैच 14 रन जीतने के लिए 300 को डगाओ और थोड़ी सी बॉल को स्टीयर किया था लेकिन छपट्टा मारे हैं 30 गज के दायरे में रन का कोई गुंजाइश नहीं और निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंदबाजी और कहीं ना कहीं
इसी सोच के साथ बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए सटीक लेंथ करना होगा। और बेहतरीन इस बार डाइव लगा के वाड़े कैच, बेहतरीन कैच ऑफ द मैच। और कवर के स्थान में बिल्कुल तो सर जडेजा के जैसे कैच पकड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल सादा कैच। निश्चित तौर पर 16 गेंदों में 14 रन। और विकेट का पतन होता हुआ अधिसी तौर पर रेडी धातु हीरापुर छत्तीसगढ़ बना बहुत। और यू बैट्समैन कप्तान पर बीच मैदान में सोलह गेंदों में 14 रन चाहिए 300 कोडागांव को जीतने के लिए। और इस बार करारा प्रहार किया था लेकिन लॉग ऑन पे खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पे रन आउट का खतरा लेकिन बिल्कुल अपने सुरक्षित स्टार में, यहाँ पे थोड़ी सी खतरा हो सकता है देखा जाए, लेकिन इस बार वाई रन का फिर से एक बार इजाफा होता हुआ अटोका दो रन। और इसी दो रन के चलते 112 रन। पंद्रह गेंदों में 12 रन जीतने के लिए 300 को नगाओ 15 गेंदों में 12 रन। और करारा प्रहार इस बार लोग ऑफ के दिशा में, एक बार गगनचुंबी सुल्तानी छक्का। थोड़ी सी यहां पे संकट में, थोड़ी सी यहां पे परेशानी का सबक बिल्कुल वस्त्र ब्लास्टर। और इस बार आराम से चल पड़े हैं, थोड़ी सी बॉल को यर कर लेते डालने के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन बेहतरीन यहां पे रख चुके हैं और केवल सिंगल से यहां पे काम चलाते हुए। और केवल 13 गेंदों में 5 रन चाहिए 300 कोडागांव को जीतने के लिए। और क्लीन बोल्ड सीधे जाके डंडे में, बारह गेंदों में 5 रन। और कहीं ना कहीं डॉट निकालनी पड़ेगी, विकेट चटकारा होगा अगर वापसी करना चाहते हैं तो इस मैच में बिल्कुल वस्त्र ब्लास्टर को। यह दर्शक बंधु यही खेल परी समाप्ति पर हीरापुर छत्तीसगढ़ बना मोहन, हीरापुर छत्तीसगढ़ बना मोहन। स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट पंच भाई, वाइस प्रेसिडेंट धनराज भाई, केसियर सोनाराम, टीम मैनेजमेंट महेश गंडा, मार्केटिंग बाई देवी सिंह एंड माखनलाल, लाइव स्कोरर शरद भाई, पवित ब्लॉक्स चैनल और अपलाइन स्कोरर महेश भाई और जोगेश, धन्यवाद मेरे साथी। और इस बार सत्ता दिया है निश्चित तौर पर, रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं और केवल 5 रन चाहिए 11 गेंदों में। और केवल 5 रन का ये मामला है आगे की तरफ अपने कदम को अग्रसर कराने के लिए 300 कोडागांव को। और इस बार बिल्कुल चार विकेट,
बल्लेबाज यहाँ पे चोरी चोरी छुपके छुपके रन लेना चाहते थे, लेकिन जड़ बे गेंद बिल्कुल सटीक यहाँ पे निशाना। और बेहतरीन गेंद और चूमती हुई निकल चुकी है सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में, नौ गेंदों में। पांच रन चाहिए, दस गेंदों में पांच रन। और कमाल का गेंदबाजी, कमाल का गेंदबाजी, वाह बेटा वाह, बेहतरीन डॉट। नौ गेंदों में पांच रन, बिल्कुल जीतने के लिए 300 कोटा गांव। और इस बार इसके साथ ही गेम फिनिश अनिश्चित तौर पर। और यहां पे कितने विकेट से जीत लिया है 300 कोटागांव, स्कोर भाई बताएंगे। आज का अभी का जो खेल में मैन ऑफ द मैच का जो नाम अर्जित किए है मिस्टर गोलू 300 कोटागांव, कमल गोलू, स्पंसर बाय बसंत क्लार। प्रिया दर्शक बंधु, स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट पंचुगंडा, वाइस प्रेसिडेंट धनराज गौंड, केसीआर सोनाराम गौंड, टीम मैनेजमेंट महेश गंडा, मार्केटिंग बाय देवी सिंह एंड बाखल्लाल, लाइव स्कोरर सनंत भाई फॉर बीट ब्लॉग्स चैनल, ऑफलाइन स्कोरर महेश भाई एंड जोगेश, कमिटी मेंबर मोहन यूथ क्लब। हेलो गोलू भाई, प्लीज कम टू द स्टेज, मेन ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय वसंत कलार, कमन गोलू कमन। बढ़िया रवान जो गोटे नाटक हम निश्चित भाव आप हाथ छोड़ा करेंगे ना आसंता 13 तारीख राति ठीक 10 घंटे का समय रे पहला बहुत सुख सपन फेरब कि सुख सपन दर्शक बंधु जमानु भी भुलाउनी आसंता 13 तारीख ठीक 10 घंटे का समय रे बहु संख्या रे योगदान दे कि साफल्य मंडित करबा बेबी हीरापुर छत्तीसगढ़ बनाम मोहन ओडी मेन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत चुके हैं मिस्टर गोलू स्पॉन्सर बाय वसंत कलार। लाइफ चल रही का काम।